पूज्य पा स्वामी ग्रंथराय समाधि तंत्र अपर नाम समाधि शतक में 101 में श्लोक क्रमांक में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। पूर्व में कहा मोक्ष मार्ग शब्द ही आना यत्न साध्य की सूचना है। मोक्ष यतन साध्य है, मार्ग ही यतन है, जो मार्ग है वही यतन है। तो जो मोक्ष को मानता मार्ग नहीं मानता वो यतन साध्य है, परंतु ऐसा होता नहीं। कार्य है तो कारण अवश्य होना चाहिए, कारण है तो कार्य अवश्य होना चाहिए। वही कारण कारण है, वही कारण कारण जो कार्य उत्पत्ति में साधकतम कण बनता है। सुप्ने दृष्टि विनिष्टेपि नास्वस्थितात्मनः तथा जागरण दृष्टेपि परियासा विशेषतः यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं सुप्ने दृष्टि विनिष्टेपि। स्वप्न में तुमने देखा कि कोई मेरी वस्तु टूट गई, तब भी टूटी कहाँ, शरीर नष्ट हो गया, जगह नष्ट कहाँ हुआ। तो स्वप्न में बहुत सारी सामग्री दिखती है, पर जागृत होते हो साथ कुछ नहीं। तो विशेषता क्या है सुप्ने दृष्टि विनिष्टेपि निन्नाशस्ति। किसी ने देख लिया कि शरीर का नाश हो गया है स्वप्न में, परंतु शरीर का नाश आत्मा का नाश थोड़ी हो गया। तथा जागृत दृष्टेपि, जैसे स्वप्न में तुमने शरीर का नाश देखा तो आत्मा का नाश नहीं होता है, ऐसे जागृत होकर तुमने शरीर का नाश देख लिया तब भी आत्मा का नाश नहीं होता। स्वप्न में आत्मा का नाश देखने से आत्मा का नाश नहीं है, वैसे जागृत में भी नाश देखने पर नाश नहीं है। इसलिए विपर्यास स्वप्न विपरीत दिख रहा है, नाश दिख रहा है क्योंकि नाश नहीं है, शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं है। ऐसे जागृत में भी नाश दिख रहा है तब भी नाश नहीं है। इसलिए देह के नाश पर आत्मा का नाश मत देखो, देह की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मत देखो। निर्मोह भव, निर्मोह हो जाओ। सारा सार इतना सा है, आत्मद्रव्य की स्वतंत्रता का बोध होना। संबंधों में निर्बंध को देखना, बंध में निर्बंध को देखना, संबंध में संबंध अभाव को देखना, स्वतंत्रता का वेदन करना, इसे समझना चाहिए। स्वतंत्रता का वेदन की, स्वतंत्रता वेदन मतलब हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, पाठ नहीं मात्र। वहाँ ये देखना आपको कि जैसे मैं जगत में किसका विनाश हो रहा, किसकी उत्पत्ति हो रही, कौन रो रहा, कौन हंस रहा, कौन नाच रहा, कौन गा रहा, इन सब के होते मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। मैं इनसे भिन्न था, भिन्न हूँ, भिन्न रहूँगा। इसी प्रकार से इस देह के नाना प्रमण होने पर भी मेरा प्रणमन नहीं है, ऐसा नियतता का प्राप्त कर लेना, ये स्वतंत्रता का वेदन है।
सगा मर जाए तो बाप अलग होते हैं, तुम कितना पूछते हो? बोले भारती था, कोई विमान एक जहाज का अपहरण हो गया, बोले उसमें भारती थे तो अलग भाव रहते, पर भारती में, अरे कौन से प्रांत के थे? जिस प्रांत को आप उस प्रांत, तो फिर कौन से जिले के थे? तो फिर जिला आ जाता, फिर कौन से गांव के थे, कौन से कस्बे के, कौन से नगर पालिका के थे, सारी के सारे विकल्प तुम्हारे मन में आ रहे हैं। अरे भाई, इसी प्रकार से सारे इतने विकल्प हैं, उन सारे विकल्प सुन करके शरीर को अत्यंत भिन्न बोलना नहीं, भिन्न मान लो, मान लो, मान लो, मान लो, मान लो, मान लो, फिर इसमें जो जो प्रमाण चल रहा है उसमें अपने आप को नहीं ले जाना, ये आत्मा की स्वतंत्रता का वेदन। युति सिद्ध को मत भेदो, युति सिद्ध को मत भेदो, अयुत सिद्धि का वेदन करो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। युति सिद्धि का वेदन मत करो, अयुत सिद्धि का वेदन करो, जबकि सुबह से शाम तक युद्ध में ही लगा है जीव। संश्लेष संबंध के युत सिद्ध नहीं में आएगा, संश्लेष संबंध भी युत सिद्ध है जो अलग से चिपकाया गया है, बाहर से ला गया है, युत सिद्ध है। और ज्ञायिक भाव चैतन्य आत्मा का अयुत सिद्ध है, कहीं से लाया नहीं गया, चिपकाया नहीं गया, इसके लिए समय चाहिए। जैसे दुग्ध से घृत निकालने में कितना समय लगता है, 24 घंटे की प्रक्रिया, बालक विधिपूर्वक बनाइए तो 24 घंटे की प्रक्रिया, उबालना, फिर थोड़ा कुनकुना रह जाए ठंडा, तब जामन देना, फिर जामन को जमेगा वो मिट्टी के पात्र में रखा रहेगा रात्रि भर, दिन भर, फिर सुबह से उसको निकाला जाएगा, फिर मक्खन निकलेगा, मक्खन को तपाया जाएगा, फिर घृत बनेगा। कितना समय लग गया, मतलब इतना सारे समय लगता है घी निकालने में, तो फिर आप चाहते दो मिनट की एक माला फेल में भगव होगी समय, उसमें भी कितना मन लगा रहे। घृत को निकालने के लिए 24 घंटे लग गया, ऐसे आप बार बार समय करेंगे, बार बार ध्यान जाएगा, मैं स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र था, स्वतंत्र होऊंगा, ऐसा त्रिकालिक सोच बनाएगा, तब ये जीव कहीं एक दो मिनट के लिए स्वतंत्रता का वेदन कर पाएगा। वो ऐसे वेदन का अभ्यास ही घोर घोर उपसर्गों के आने पर भी तुमको विचलित नहीं होने देगा। और मैं स्वतंत्र हूँ यही सब कुछ सुनाने में समय निकाल रहे हो, तुम्हें समय ही नहीं अपनी स्वतंत्रता के वेदन का, भी स्वतंत्रता का वेदन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आचार्य महाराज ने कह दिया, करो अनुभवन, जैसे स्वप्न में तुमने देखा मेरा शरीर नष्ट हो गया, तब भी आत्मा नष्ट नहीं होती, ऐसे जागृत में आंखों से दिख रहा कोई ने शरीर पर वार कर दिया है, तब भी आत्मा का नाश नहीं होता।